अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम कुकिंग पॉइंट। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी काले चने के कबाब की रेसिपी। इसे देखकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वेज है या नॉन वेज, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए सारी चीजें हमारे किचन में ही मौजूद होती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप काले चने को रात भर भिगा कर रखा था। देखिए ये फूलकर पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम गलाने के लिए कुकर में डालेंगे। हमें इसमें इतना पानी डालना है कि चने के ऊपर तक आ जाए। देखिए हमने इस गिलास से 1 गिलास पानी डाला है। हमने इसमें 1 कप पानी डाला है। इसमें हम 1 छोटी प्याज डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और कुकर की लीड लगा देंगे। हम इसे हाई फ्लेम पर 6 से 7 सीटी आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। 7 सीटी हो गई थी, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। उसके बाद हमारा कुकर ठंडा हो गया है, हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा चना अच्छी तरह से गल गया है। अब इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है हम इसे भी हाई फ्लेम पर सुखा लेंगे। देखिए हमने चनों का सारा पानी हाई फ्लेम पर सुखा लिया है। हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और ठंडा करके बारीक पीस लेंगे बगैर पानी डाले हुए। देखिए हमने चनों को पीस लिया है इस तरह से। हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, नमक हमने पहले भी डाला था, 1 टीस्पून हरी मिर्च, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 नींबू का रस, 3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, आप इसकी जगह भुने हुए चने का पाउडर भी ले सकते हैं। हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेसन डालने से हमारे कबाब में बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है। हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए हमने हाथों में तेल लगा लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे गोल करके कबाब का शेप दे देंगे। हम इसके किनारों को भी अच्छी तरह से सही कर लेंगे। कबाब में कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए, वरना तलते वक्त ये टूट सकते हैं। देखिए हमने इसे कबाब का शेप दे दिया है। अब हम सारे कबाब इसी तरह से बना लेंगे। देखिए हमने सारे कबाब बना लिए हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हम इन्हें शैलो फ्राई करने वाले हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन में ऑयल को गरम कर लिया है। हम इसके अंदर एक एक करके कबाब डालेंगे। हमने गैस का फ्लेम मीडियम किया है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और इसे दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम कबाब को पलटेंगे। देखिए हमारा कबाब एक साइड से गोल्डन हो गया है। हम इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह से गोल्डन कर लेंगे। आप इसी तरह के कबाब की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे शामी कबाब की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। हमारे कबाब दोनों साइड से गोल्डन हो गए हैं। हम कबाब को बाहर निकाल लेंगे और सारे कबाब इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे काले चने के कबाब बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और मजेदार बने हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल शामी कबाब से मिलता है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। आप हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।